पूरे देश में धड़ल्ले से हो रहे अवैध बालू खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और 5 राज्यों को नोटिस जारी कर कहा कि वे खनन का असर जाने बिना किसी भी योजना को पर्यावरणीय मंजूरी ना दें। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और यही हमारा आज का केस ऑफ द डे। लेकिन पहले नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन सरकार भले ही मंगलवार शाम गिर गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 निर्दलीय विधायकों और स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। बुधवार को जब कर्नाटक का मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा कि बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी और स्पीकर के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी कहां हैं। ये दोनों ही वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे। कर्नाटक में बहुमत परीक्षण की मांग करने वाले 2 निर्दलीय विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कल के घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उसके बाद मुकुल रोहतगी की जूनियर ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। जूनियर वकील को देख प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों सिंघवी और रोहतगी की मौजूदगी में ही आदेश देंगे, दोनों ने हमारा काफी समय लिया है। वकील ने बताया कि रोहतगी दिल्ली से बाहर हैं तो सीजीआई ने कहा कि हम उनका इंतजार करेंगे। उसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव और एचडी कुमार स्वामी ने अर्जी दायर कर 17 जुलाई के आदेश को स्पष्ट करने की मांग की थी। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे कि 15 विधायकों को सदन की कार्यवाही से छूट देने का आदेश क्या पार्टी व्हिप जारी करने के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं है। अर्जी में पार्टी व्हिप जारी करने के संवैधानिक अधिकार का मुद्दा उठाया गया, जबकि राज्यपाल के बहुमत साबित करने का समय तय किए जाने को भी गलत बताया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आरोपों वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान फडणवीस की ओर से कहा गया कि 2014 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने इसलिए इन 2 मामलों का खुलासा नहीं किया क्योंकि उस समय आरोप तय नहीं किए गए थे। वैसे भी मुख्यमंत्री या सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, कई बार कोई छूट जाता है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया ये सीधे सीधे जानकारी छिपाने का मामला है और प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से की जानी चाहिए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में उनकी ओर से जवाब मांगा था। याचिका में फडणवीस पर वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में 2 आपराधिक मामलों का खुलासा न करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने फडणवीस के चुनाव को निरस्त करने की मांग की है और यह कहा कि यह आपराधिक मामले की श्रेणी में भी आता है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और यह कहा था कि याचिका में तथ्यों की कमी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125A का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के मुताबिक 1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ विभिन्न आरोपों में 2 मामले दर्ज किए गए थे। यमुना जल बंटवारे के मुद्दे पर हरियाणा ने दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है। हरियाणा सरकार ने दावा किया कि यमुना के पानी के बंटवारे पर दिल्ली के साथ चल रहे विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट को फैसला करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच कोई भी फैसला करने के लिए अपर रिवर यमुना बोर्ड उचित निकाय है। हरियाणा ने उच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला लेने का अनुरोध किया है। हरियाणा ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले में आगे बढ़ने से पहले क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर फैसला करने अपने कर्तव्य का पालन करने में नाकाम रहा है। हरियाणा ने अपने जवाब में अदालत की ओर से नियुक्त समिति के निष्कर्षों पर भी एतराज जताया। समिति का गठन इस बात के निरीक्षण के लिए किया गया था कि दिल्ली के लिए पानी ले जाने वाली नहरों में मेड़े बनी हुई हैं या नहीं। हरियाणा सरकार ने अदालत से समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की अपील की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना नदी के ताल में बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है और खनन गतिविधि न सिर्फ जल प्रवाह में बाधा डाल रही बल्कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बन रही है। हरियाणा का कहना है कि रिपोर्ट सिर्फ एक बार निरीक्षण कर दाखिल की गई है और इसमें उससे सलाह मशविरा नहीं किया गया।
जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म खानदानी सफर खाना को लेकर दायर एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता को निर्देश दिया कि वो अपनी फिल्म को याचिकाकर्ता को दिखाने के लिए विशेष स्क्रीनिंग का इंतजाम करें। दिल्ली के एक यौन रोगों का इलाज का दावा करने वाले एक डॉक्टर की याचिका पर निर्माता कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड का ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो 26 जुलाई को ये फिल्म याचिकाकर्ता को दिखाए ताकि छवि को नुकसान पहुंचने संबंधी उसकी आशंका का निराकरण हो। याचिकाकर्ता ने फिल्म में खुद को और उसके पेशे को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर समेत उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद पहली नजर में उसका मानना है कि याचिकाकर्ता की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। कोर्ट का यह भी मानना था कि ट्रेडमार्क का भी कोई उल्लंघन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदार में हैं। फिल्म 2 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और अब बात करेंगे आज के केस ऑफ द डे की। देशभर में अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, 5 राज्यों और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। पूरे देश में बेहिचक हो रहे रेत के अवैध खनन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो पूरे क्षेत्र में रेत खनन के संचयी प्रभाव को ध्यान में रख बिना रेत खनन परियोजनाओं के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी न दें। जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया जिसमें दावा किया गया कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अपेक्षीय पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो सीबीआई को याचिका में उल्लेखित बालू खनन घोटाले पर मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने के आदेश दें। देश भर में लाइसेंस और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रेत निकाली की जा रही है। शुरू में एनजीटी ने यमुना, गंगा, हिंडन, चंबल और गोमती नदियों के किनारों से अवैध रूप से रेत निकालने पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि ऐसी गतिविधियों का असर देश भर में हो रहा है। एनजीटी ने 5 अगस्त 2013 को दिए अपने आदेश में कहा था कि अवैध तरीके से रेत निकालने से सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। एनजीटी ने कहा था कि आदेश पूरे देश पर लागू होना है। एनजीटी ने सभी राज्यों के खनन अधिकारियों और संबंधित पुलिस अफसरों से कहा है कि वो आदेश का पालन हर हाल में करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। मृतक कर्मचारी के आश्रितों के हित में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक पहल की है। हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा में समान अवसर और सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को मृतक आश्रितों को विशेष पैकेज देने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रितों की बड़ी संख्या और पदों की कमी को देखते हुए सरकार ऐसा तरीका अपनाए जिससे खुली प्रतियोगिता से योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो और आश्रितों को भी सामाजिक न्याय मिल सके। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आश्रित परिवार के लिए सरकार ऐसा कानून बनाए जिसे नौकरी के दौरान मरने वाले कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी की जगह 3 या 5 साल या जब तक वो कर्मचारी नौकरी करता तब तक वेतन दिया जाए, ना कि उसके आश्रित को नौकरी। ऐसा करने से खुली प्रतियोगिता से नियुक्ति के अवसर बढ़ेंगे और आश्रित को भी सहायता मिल सकेगी। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में सीधी भर्ती कोटे के 5% पदों पर आश्रितों की नियुक्ति के नियम को वैध करार दिया है और कहा है कि ऐसा न करने के आश्रितों की संख्या अधिक होने से सीधी भर्ती के अवसर कम होंगे। कोर्ट ने प्रदेश के सभी विभागों के लिए आश्रितों को सामाजिक न्याय के कानून बनाने के लिए
आदेश की प्रति प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भेजने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में मनमाने तरीके से सिपाहियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को लेकर पुलिस विभाग और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात कांस्टेबल्स की ओर से दाखिल याचिकाओं पर 30 जुलाई तक जवाब मांगा है। इन सिपाहियों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेशों को चुनौती दी है। सिपाहियों की याचिका में कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना और सोच विचार किए बगैर सेवानिवृत्ति के आदेश मनमाने तरीके से पारित किए जा रहे हैं। वाराणसी में तैनात रहे महेंद्र कुमार पांडे और कई अन्य सिपाहियों की याचिका पर हाई कोर्ट 30 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं वाराणसी के अलावा गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर में तैनात कांस्टेबल्स ने दायर की। सिपाहियों की तरफ से दलील दी गई कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश व्यक्तिगत नाराजगी के आधार पर मनमाने ढंग से जिलों के पुलिस अधीक्षक की ओर से पारित किए जाते रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसे आदेश पारित करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व के फैसलों को दरकिनार कर दिया गया है। यहां तक कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया है। याचिका में ऐसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि सिपाहियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने दिया जाए। ग्वालियर शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स के मामले में गलत रिपोर्ट पेश करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने निगम कमिश्नर संदीप माकिन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा ये मानना है कि निगम ने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया। कोर्ट ने 19 जुलाई को निगम की ओर से पेश की गई रिपोर्ट उस रिपोर्ट को खारिज करती है जिसमें उसने ये बताने में असमर्थता जताई थी कि अवैध होर्डिंग्स कितनी अवधि से लगे हुए हैं। इससे लगता है कि निगम अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी होगी, साथ ही सही स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। रिपोर्ट में यह बताना होगा कौन सा अवैध होर्डिंग कितनी अवधि के लिए लगाया गया और संबंधित एजेंसी से कितनी राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी। इसके साथ ही अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और निगम कमिश्नर को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को नियत की गई है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सुभारती मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सुभारती मेडिकल ट्रस्ट को 2 सप्ताह के भीतर 25 करोड़ जमा करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई अब 9 अगस्त को होगी। इस मामले में 75 मेडिकल छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से परीक्षा को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि इन छात्रों को राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाएगा और पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट को आदेश दिया। वो 300 छात्रों के पठन पाठन के लिए करीब 98 करोड़ रुपए जमा करे। सुभारती ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने डॉक्टर जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट को 2 सप्ताह के भीतर 25 करोड़ जमा करने के आदेश पारित किए हैं। इस मामले में पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सुभारती मेडिकल कॉलेज को टेक ओवर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सुभारती मेडिकल कॉलेज के करीब 300 छात्रों को राहत देते हुए उन्हें 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। वहीं खानपुर के बिगड़ल विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीजेपी से निष्कासन के बाद मामला बदल गया है। इस खबर की बात करेंगे बाद में। पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट के सुझावों को मानते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे या तो अपने बायोमेडिकल कचरे की निगरानी करें या फिर हर महीने इसके बदले 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरें। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा कोई संस्थान बायोमेडिकल कचरे से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे 1200 प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाए। एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं के स्टॉक जैव स्वास्थ्य कचरा की पूरी जानकारी 2 महीने के भीतर दें और अगर स्टॉक की जानकारी अपूर्ण है तो इसे पूरा किया जाना चाहिए।
एनजीटी ने कहा कि हमें ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कचरे के प्रबंधन की निगरानी नहीं हो रही। जिन राज्यों में व्यवस्था नहीं है वहां 2 महीने में इसका इंतजाम होना चाहिए। और बात करेंगे खानपुर के बिगड़ेल विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीजेपी से निष्कासन से। हरिद्वार की ही झबरेड़ा से विधायक देशराज कंडवाल के चेहरे पर खिली मुस्कान कुछ कम हो सकती है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरिद्वार जिले की कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को आदेश दिया 31 जुलाई तक देशराज कंडवाल के जाति प्रमाण पत्र पर फैसला ले। बता दें कि बीजेपी विधायक की जाति के स्टेटस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट की खंडपीठ इसमें सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट में देशराज कंडवाल की जाति को चुनौती दी है। विपिन तोमर नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि देशराज कंडवाल ने अपनी जाति गलत बताकर चुनाव लड़ा है। जिस सीट पर देशराज कंडवाल ने चुनाव लड़ा वो रिजर्व थी और वो गलत जाति प्रमाण पत्र देकर चुनाव जीते हैं। सुनवाई के दौरान देशराज कंडवाल ने अपना जवाब दाखिल किया और कोर्ट को बताया कि जब से उत्तराखंड बना है तब से वो झबरेड़ा में रह रहे हैं। विधायक बनने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और मैंने उन्हें वोट देने से मना कर दिया और तब से और आज तक जाति प्रमाण पत्र के दंश को मैं झेल रहा हूँ। तहसीलदार, SDM, ADM, CDO, DM, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, जिला न्यायालय और 3 बार माननीय उच्च न्यायालय में मेरे खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है और अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि मैं चमार नहीं हूँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की रिपोर्ट के सुझावों को मानते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे या तो अपने बायोमेडिकल कचरे की निगरानी करें या फिर हर महीने इसके बदले 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरें। CPCB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा कोई संस्थान बायोमेडिकल कचरे से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे 1200 प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाए। NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है वे स्वास्थ्य सुविधाओं के स्टॉक जैव स्वास्थ्य कचरा की पूरी जानकारी 2 महीने के भीतर दें और अगर स्टॉक की जानकारी अपूर्ण है तो इसे पूरा किया जाना चाहिए। NGT ने कहा कि हमें ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कचरे के प्रबंधन की निगरानी नहीं हो रही। जिन राज्यों में व्यवस्था नहीं है वहां 2 महीने में इसका इंतजाम हो जाना चाहिए। NGT ने कहा कि अगर 2 महीने बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ओर से इसका पालन ना करने की जानकारी मिली तो उनसे 1 करोड़ रुपए हर महीने की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। ये जुर्माना तब वसूला जाएगा जब तक कि राज्यों में इसका पालन शुरू नहीं हो जाता। इस बाबत दाखिल याचिका में मांग की गई है कि बायोमेडिकल कचरे का अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर जैव स्वास्थ्य कचरा प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए। ये याचिका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से संबंधित थी पर इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लिया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल मानिक को और नेशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल यानी NCLT से राहत मिली है। NCLT ने अनिल अंबानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दाखिल एक अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। ये विवाद रिलायंस कम्युनिकेशन समूह की रिलायंस इंफ्राटेल और HSBC डेजी इन्वेस्टमेंट्स के बीच था। SBC डेजी का आरोप था कि ऑरकॉम ने अपना टावर और फाइबर परिसंपत्तियां जियो को बेचते वक्त अल्पमत शेयर होल्डर्स HSBC डेजी पर कथित तौर पर दबाव डाला और उसकी कायदे से राय भी नहीं ली। इस याचिका को मंजूर करते वक्त NCLT ने परिसंपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी। इस पर रिलायंस इंफ्रा ने NCLT में अपील दाखिल की। हालांकि सुनवाई के दौरान ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया और अपील वापस ले ली गई। उस करार के मुताबिक रिलायंस इंफ्रा को 6 महीने के भीतर 230 करोड़ का भुगतान HSBC डेजी को करना था। राशि का भुगतान न होने पर HSBC डेजी अवमानना का मामला दर्ज करवाया था। NCLT ने सुनवाई के बाद कहा कि इसमें कोई मामला ही नहीं बनता है।
और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।